झाड़ू से साफ होता है घर, और अगर इस मजार पर झाड़ू चढ़ा दी तो होती हैं बीमारियां साफ। कम से कम बाड़मेर की एक दरगाह में झाड़ू चढ़ाने वाले तो यही मानते हैं। ये मजार है ढेर बाबा की दरगाह। इस मजार की कहानी भी रोचक है और यहाँ झाड़ू चढ़ाने की मान्यता भी उतनी ही रोचक है। दरगाह वैसी ही है जैसी आपने कभी देखी होगी, एक मजार जिस पर चादर और फूल मालाएं दिखेंगी, पास में अगरबत्तियां और कुछ लोग नजर आएंगे जो दुआएं पढ़ रहे हैं। खास चीज ये है कि दरगाह के बगल में झाड़ुओं का ढेर है। ये ढेर इसी मन्नत या आस्था के तहत यहाँ लगा है, जिसमें लोगों का मानना है कि इस मजार पर झाड़ू चढ़ाने से जैसे झाड़ू से घर साफ होता है ना, ठीक वैसे ही झाड़ू बीमारियों की भी सफाई कर देती है। लोगों को विश्वास है कि दरगाह में झाड़ू चढ़ाने से किसी भी तरह का स्किन डिजीज ठीक हो जाता है। यही वजह है कि लोग मन्नत के लिए झाड़ू साथ लेकर आते हैं। लोकल 18 ने ढेर बाबा की दरगाह पर माथा टेकने आए कुछ लोगों से बात की, उन्होंने क्या क्या कहा सुनिए। मेरा नाम अलाउद्दीन कोतवाल। जैसे राजा का जो दरबार होता है, इस दरबार के अंदर अपनी फरियाद लेके कोई भी इंसान जाता है, ऐसे कि वैसे ये भी एक दरबार है। मेरा नाम फरहान शेख। यहाँ पर जिसके चर्म रोग होता है, फोड़ा पोंसी जो भी होती है, यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, अपनी मन्नत बोल के जाते हैं, और जो भी जिसके भी फोड़ा पोंसी सही हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर शिन्नी और झाड़ू चढ़ाते हैं। यहाँ कोई भी आके अपनी झोली फैला के अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आता है, कोई धर्म से ताल्लुक नहीं है। ये अपने बंदों को चाहने वालों उनकी नजरों में सब बराबर है। हमें अलाउद्दीन ने बताया कि ये दरगाह करीब 450 साल पुरानी है, ढेर बाबा की दरगाह। इस नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी अनोखी है। ढेरवली के दरगाह जो है बहुत 450 वर्ष पुरानी दरगाह शरीफ है। हमारे बुजुर्गों ने बताया, जब बाड़मेर बहुत ही छोटा सा शहर हुआ करता था, इस आस पास में कोई मकान था नहीं, तो कोई आलिम था, उसको ख्वाब में आया कि मेरे स्थान जो है उसके पास में कचरे का ढेर है, तो मेहरबानी करके वो कचरे का ढेर जो है आप हटाए। तो पड़ोस पड़ोस के लोगों को कहा, तो लोगों ने कचरा साफ करने के लिए झाड़ू दिए। मेरी अगर ये मन्नत पूरी होगी तो मैं 2 झाड़ू दूंगा, 4 झाड़ू दूंगा। तो ऐसे करते करते एक नई दरगाह कौन सी है कि कचरे के ढेर के पास में, कचरे के ढेर के पास में, तो ऐसे करके इनका नाम ढेरवली हो गया। यही यहाँ पे बहुत काफ़ी समय पहले कचरा हुआ करता था, फिर सभी लोगों ने अभियान करके यहाँ पे झाड़ू निकाल के कचरा साफ किया, तो फिर यहाँ पे बहुत झाड़ू का ढेर हो गया था, इस नाम से इनके नाम बोला जाता है। बाकी दरअसल लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत में इनका नाम क्या है रियल में वो हमको मालूम नहीं। हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है वो ढेरवली के नाम से ही सुना है। ढेर बाबा की दरगाह यहाँ कैसे पहुँचना है आपको ये भी बता देते हैं। बाड़मेर रेलवे स्टेशन से दरगाह करीब 2 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ ऑटो रिक्शा के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। दरगाह के पास नियरेस्ट लैंडमार्क हिंगलाज शक्तिपीठ माता मंदिर है। लोकल लोगों से आप इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं।